गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है कंप्यूटर सिस्टम का आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। तो इससे पहले स्टूडेंट्स हम लोग जो है एबेकस कबाब किए थे, नेपियर स्पून के बारे में चर्चा किए थे, उसके बाद पास्कल लाइन किए थे, एनालिटिकल इंजन किए थे। आज हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर से स्टार्ट करेंगे। तो हमने लिखा है स्टूडेंट विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी के डिस्कवरी के बाद बेटर मशीन जो है वो बनना शुरू हो गया और उसी रिलायबल और कैपेबल परफॉर्मिंग थाउजेंड्स ऑफ मोर कैलकुलेशंस पर मिनट। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते स्टूडेंट उतना थाउजेंड्स ऑफ कैलकुलेशन या कंप्यूटर जो है विद इन अ मिनट विद इन अ सेकंड पूरा कर देता है। उसी को हम लोग कहते हैं दे आर वेयर कॉल्ड अ इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर में जैसे ही आते हैं तो उसके बाद हम लोग कंप्यूटर के जनरेशन पाएंगे। सबसे पहला हमारा है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। स्टूडेंट्स हमने लिखा है छोटा सा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज द ईनायर। इट वाज बिल्ड यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स व्हिच लुक लाइक अ स्मॉल बल्ब। इट फिल्ड एन एंटायर रूम एंड कुड कैलकुलेट 300 टाइम्स फास्टर देन ह्यूमंस। इसका मतलब है स्टूडेंट फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर लॉन्च किया हुआ है इनायर। इसमें इसका फुल फॉर्म का चर्चा हम लोग फुल फॉर्म में कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी हम आपको बताते हैं इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। एकदम छोटा सा इसका फुल फॉर्म है, आप याद कर सकते हैं। दूसरा स्टूडेंट फर्स्ट जनरेशन में एक बात याद रखिएगा, इसका सबसे बड़ा ये कंप्यूटर जो स्टार्ट हो गया इसने हमने लिखा भी है कि 300 टाइम्स जो है वो कैलकुलेट करता है बेटर इंटायर। लेकिन इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी था फर्स्ट जनरेशन में कि अब बहुत यूज ज्यादा हीट देता था, इतना हीट देता था कि एक हॉल भी कम पड़ता था और इसको रखने के लिए एक बड़ा सा हॉल रहता था और वो फुल्ली एसी रहता था स्टूडेंट्स, और यह काफी स्लो काम करता था। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वह यह काफी स्लो था। उसके बाद स्टूडेंट आया हमारा फर्स्ट जनरेशन के बाद स्टूडेंट हमारा आया है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। द नेक्स्ट फेज इन द कंप्यूटर स्टार्टेड आफ्टर डिस्कवरी ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कॉल्ड ट्रांजिस्टर्स। यानी सेकेंड जनरेशन में स्टूडेंट्स क्या हो गया, सेकेंड जनरेशन में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो है कंप्यूटर जो है वो सेमी कंडक्टर में बदल गया, जिसको हम लोग ट्रांजिस्टर का नाम दे दिए, ठीक है। और यहीं से हम लोग जो है सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर में हम लोग देखेंगे कि क्या है, यहां से सिस्टम जो है परफॉर्म किया वैक्यूम ट्यूब से बदलकर थोड़ा चीपर यानी थोड़ा सस्ता हो गया, थोड़ा फास्टर हो गया, मोर रिलायबल और स्मॉलर इनसाइड हो गया, लेकिन हीट का प्रॉब्लम अभी भी था। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज सेकंड जनरेशन में भी यही था कि हीट का प्रॉब्लम अभी भी था। हाँ, लेकिन यहाँ पर यह था कि पावर लेने की क्षमता थोड़ी कम हो गई, ठीक है। और सेकंड जनरेशन जो है वह फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा स्मॉलर हुआ। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग अब आते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इन्वेंशन ऑफ ICS। स्टूडेंट ICS की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट बॉट अबाउट फर्दर रिडक्शन इन साइज एंड इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ कंप्यूटर एंड मेड देम वेरी रिलायबल इन IC कंसिस्टेड ऑफ सेवरल ट्रांजिस्टर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट ऑन अ सिंगल सिलिकॉन चिप्स। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि थर्ड जनरेशन में यह जो आपका ट्रांजिस्टर था वो किसमें बदल गया, IC में बदल गया, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट में बदल गया। और उसमें क्या हो गया स्टूडेंट, उसमें IC बदलने के बाद उसका जो स्पीड था वो काफी फास्ट हो गया या मोर रिलायबल हो गया, और यह IC जो है इंटीग्रेटेड सर्किट या कंपोनेंट जो है वह एक सिंगल सिलिकॉन चिप्स में बदल गया। और यहां से स्टूडेंट्स कंप्यूटर का एक नया ही जन्म हुआ। और थर्ड जनरेशन से ही हम लोग जाने कि कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो काफी फास्ट और मोर टाइम से की चीज को बड़े अच्छे से करता है और हम ही मन से काफी बेटर यूज होता है। स्टूडेंट फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर।
तो थर्ड जनरेशन के बाद हम लोग आते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री टुक अनदर जंप स्टेप विद द इन्वेंशन ऑफ द सेमीकंडक्टर चिप और माइक्रोप्रोसेसर। इट कंसिस्टेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट ऑन अ सिंगल सिलिकॉन चिप। इसका मतलब है स्टूडेंट कि फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से जो है सेमीकंडक्टर और माइक्रोप्रोसेसर दो चीज पे वर्क हो गया और यह क्या करने लगा, यह इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एक सिंगल सिलिकॉन चिप में बदल गया। इन 1972 ने इंटेल ने फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर बनाया था। 1972 में इंटेल ने क्या किया था, सबसे पहला माइक्रोप्रोसेसर बनाया था जो कि फोर्थ जनरेशन में था। अबाउट 300 ईयर लेटर, अबाउट 10 ईयर लेटर आईबीएम जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। आईबीएम का परफॉर्मेंस में हम लोग बात कर चुके हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईबीएम ने 10 ईयर्स पहले इंट्रोड्यूस किया था। वह पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी था और वह मोर रिलायबल था, ये फोर्थ जनरेशन था। देखिए स्टूडेंट हम देखते हैं फिफ्थ जनरेशन की बात करेंगे तो यहाँ साइंटिस्ट आ जाएंगे और एआई आ जाएगा, क्योंकि अभी जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ से कंप्यूटर जो है वो इतना फास्ट और इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर करने की क्षमता रखता है जिसकी कल्पना हम लोग फास्ट में कभी सोचे भी नहीं थे कि ऐसा कोई डिवाइस आएगा। स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि आज हम लोग का जो युग है वो रोबोटिक युग हो चुका है और रोबोटिक युग में क्या है, इंसान का बहुत सारा ऐसा वर्क ऐसा काम जो वो उतने अच्छे से नहीं कर पाते जितने अच्छे से ये लोग कर पाते हैं। आपने सुना होगा अमेरिका ने एक बहुत बड़ा मॉल बनाया है, तैयार किया है, जिसमें उस मॉल में इंसान कम लोगो जा रहे हैं, इंसान ना के बराबर है, लोगो बहुत ज्यादा है और वो लोगो हर तरह का एक्ट करते हैं। एक लोगो कार चलाने में, एक लोगो आपको अंदर इंटरेस्ट में आने के लिए, एक लोगो आपको पेमेंट के लिए, एक लोगो आपको सामान डिलीवर करने के लिए, इस तरह से बहुत सारा अलग अलग पार्ट में उसको वर्क किया गया अलग अलग। तो स्टूडेंट्स अब ये युग आ चुका है कि कुछ समय बाद हम लोग जो है बैठे रहेंगे और लोगों को जो आदेश देंगे उसके अनुसार वह टोटल एक्ट करेगा। छोटी मोटी खामियां है जिसको दूर की जा रही है। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से हम लोग जो है स्मार्टफोन जितना भी इस्तेमाल कर रहे हैं वह सारा मोस्ट रिलेबल है और उसमें नया नया एडवांस फीचर भी आ रहा है, जैसे थंब के जरिए हम मोबाइल को पासवर्ड रेटिना ऐप के जरिए हम उसको लॉक करते हैं, पैटर्न देते हैं, तो ये सब फिफ्थ जनरेशन का आपका क्या है, सब फिफ्थ जनरेशन में ही आता है और फिफ्थ जनरेशन अभी टिल चल भी रहा है, उसमें और भी रिसर्च होंगे स्टूडेंट्स, तो इसलिए इसमें और भी चीज ऐड होगा। स्टूडेंट्स ये छोटा सा क्लास हमारा था, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब हम स्टूडेंट आएंगे तो फिफ्थ जनरेशन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर के टोटल लैंग्वेजेस के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स।